व्यूवर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी, जो कि एक अलग स्टाइल से बनेगी, जिसको बोलेंगे हम लोग झटपट ढावा चिकन करी। अब उसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैं धो के अच्छी तरह सुखा लिया है। इसको मैरिनेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये 5 प्याज है मीडियम साइज की, जो मैंने रफली चॉप करी है। ये 4 टमाटर हैं, आप इसको रफली चॉप कर सकते हैं। ये 2 मिर्चें और आधा हमारा नींबू है, जो हम मैरिनेशन में डालेंगे। ये धनिए की पत्तियाँ और विद डंडी, डंडी जो होती है वो अलग ही फ्लेवर देती है, इसलिए हम इसमें साथ में डालेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट के लिए मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर 2 चम्मच जाएगा धनिया, 1 चम्मच मिर्ची और 1/4 चम्मच हमारी हल्दी और ये आधा नींबू का रस। अब मैं इसको मिला, 1 चम्मच हम लोग इसमें नमक डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे करी के अंदर जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम इसको मिलाते हैं। अच्छी तरह मिलाएंगे हाथ से, क्योंकि हर पीस के अंदर इसका स्वाद आना चाहिए। अब देखिए तकरीबन मेरा सारा चिकन मैरिनेट हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम इसकी करी की तैयारी करते हैं। मैं 2 कड़छी हाफ और 2.5 कड़छी मैंने ले लिया है इसमें तेल, और मैं सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत उभर के आता है इसमें। आप देखिए जब तक ये हमारा तेल पक रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 सिनेमन स्टिक, 1 काली बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और ये 2 लाल मिर्ची। इसको हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं अच्छी तरह, फ्लेवर इन्होंने छोड़ दिया। अब हम इसमें चॉप करके तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम को हम तेज ही रखेंगे। बस हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो बस हम लोग फिर इसमें और मसाले डालें। गैस को हम तेज ही रखेंगे। अगर ब्राउन हो जाती है प्याज तो फिर उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको अध कच्ची जिसको कहते हैं उसी तरह हम लोग इसको गलाएंगे जितना हमें चाहिए, ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह मिल जाए। अब मैं इसमें इस टाइम डालूंगी 2 चम्मच अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ और हमेशा हर डिश में मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसका बनाने का तरीका सीखना है तो प्लीज़ आप मेरे आई बटन पे जाइए और आपको मिल जाएगा। तो मैंने 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तो प्लीज़ थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए, ताकि ये उछलेगा नहीं, नहीं तो बहुत उछलता है और चिपकता है। आप देख रहे हैं ना, देख सकते प्याज मेरी
मेल्ट होने लगी है, थोड़ा और रहेगी फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। गैस हमारा तेज हुआ है, आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ये देखिए अब हम इसमें अपने टमाटर जो हमने चॉप किए थे रफली चॉप वो डालेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी क्योंकि टमाटर को गलाने के लिए हमें नमक बहुत ज़रूरी डालना पड़ता है। एक चम्मच मैंने मैरिनेशन में डाला था, आधा चम्मच इसमें, और बाकी का हम लोग स्वाद अनुसार बाद में डालेंगे। आप भी अपना टेस्ट के अनुसार डालिए नमक। अब हम इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे ताकि टमाटरों को गलने में आसानी हो। ये मैंने एक पेस्ट तैयार किया है जिसके अंदर मैंने दो छोटे चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधे छोटे चम्मच मिर्च डाली है, और दो चम्मच मैंने डाला है हरद मिर्च, धनिया सूखा पाउडर। अब मैं इसको अपनी ग्रीस में डालूंगी ग्रेवी में, आप देखिए इसलिए मैंने पानी मिला के डाला है ताकि ये लगे ना। और इसको धो के भी हम इसी में देख सकते हैं टमाटर प्याज सब आपस में रल मिल गए हैं। और मैं अब इस पर लिड लगा के दो सीटी इस मसाले को करवाऊंगी। अब आप देखिए हम मिलते हैं दो सीटी के बाद। चलिए अब हम अपनी कुकर को खोल के देखते हैं, गैस इसकी निकल गई है। देखो कितना अच्छा तो कलर आया है। अब हम इसको इसी तरह चम्मच से दबा दबा के इस ग्रेवी को हम लोग पीस लेंगे एक तरह से। मैश करते ही हम लोग इसमें अपना चिकन डाल, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी मैश हो गई है। अब हम इस समय ही अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया था उसको डाल देते हैं। कितना बढ़िया तरीके से सारी ग्रेवी हमारे चिकन के साथ लिपट गई है। हम इसको ऐसे ही तेज आंच पे गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे और ये पकेगा। इसी समय हम इसमें थोड़ी सी अपनी कसूरी मेथी डालेंगे।
थोड़ा ढक देते हैं इसको। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह भुन गया है। अब बस इसके बाद इसमें हम एक छोटा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में कि चिकन करी बन रही है, तो हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर एक गिलास पानी डालेंगे छोटा, और बाकी का जैसा आपको चाहिए वैसा आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सीटी लगाएंगे, क्योंकि आधा चिकन हमारा गली गया है। अब दो सीटी के बाद हम लोग इसको खोल के देखें। आप देख रहे हैं हमारा प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है, अब हम इसे खोलते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये पक गया है। करी भी बिल्कुल सही है। अब हम इसमें अपना दो मिर्ची डालेंगे और धनिया डालते हैं। और आधी चम्मच के करीब हम ये गरम मसाला डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा और स्मेल भी बहुत अच्छी रहेगी। मेरा ये गरम मसाला घर का ही पिसा होता है। मैं ज़्यादातर मसाले अपने हाथ से ही पीसती हूँ, जैसे मिर्ची हुई, धनिया हुआ, गरम मसाला हुआ, हल्दी है, हल्दी हम बाहर की पिसाते हैं। हम कोई भी मसाला पैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारी सब्जियों में कलर बहुत अच्छा आता है और स्वाद तो क्या कहने। आज की डिश कैसी लगी कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।